मालिक वो देखो, वो देखो। राजनीति राम के नाम पर और न्योता मिला नहीं मिला क्या, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि न्योता हमको क्यों नहीं दिया गया। रुको जरा, सबर करो। अरे 6 दिसंबर 1992 को हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया आपने, और उसकी जगह पे अभी आप मंदिर बना रहे हो, और आप पूरे देश के अंदर बीजेपी ने एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है इसको। बात तो सही है। चित्रा जी अगर राम जी होते तो बोलते कि नहीं मत करो ये सब चीज, किसी की मस्जिद को तोड़ के तुम मंदिर नहीं बना सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे यकीन है इस बात का, मगर ये लोग देखो दीवानों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, इनकी छोटी ओछी सियासत के लिए पूरे के पूरी तरह पोलराइजेशन करने पर लग गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नॉन मुस्लिम दोस्त है चित्रा जी, मुझे बोलते हैं वारिस भाई ये सिर्फ नौटंकीबाजी कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं। पहले राम मंदिर के नाम के ऊपर इन लोगों ने एक ट्रस्ट बना दिया, घपला कर दिया उसके अंदर, एक एक रात में करोड़ों रुपया पड़ने लग गई वो भी जगहों की कीमत। इस तरह से घपलेबाजी आप लोग कर रहे हो, बड़े हरामी हो बेटा। और अभी मैं यहाँ बैठ कर सुन रहा था चित्रा जी के जो शिवसेना के हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, गर्व से कह रहे थे कि शिव सैनिकों ने मस्जिद को गिरा दिया। हाँ। ये भगवान क्या जुलूम है, अरे शर्म आना चाहिए। कांग्रेस जो सेक्युलर बन के बैठी थी जाके बैठी हुई है। हाँ। यही नहीं, अभी और सुनिए 10 सेकंड चित्रा जी, मैं बताना चाहूंगा देशवासियों को, देखो ये कांग्रेस का असली चरित्र, जिन्होंने हमारी मस्जिद को गिराया आज उनके साथ निकाह करके बैठे हुए महाराष्ट्र के अंदर भी। अच्छा बात नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।